भाई आ रहे हैं कड़क सिंह Z5 पर और पंकज त्रिपाठी की फिल्म हो तो जाहिर सी बात है कि हर कोई जो है उत्सुकता से इंतजार करता है। पंकज त्रिपाठी के साथ इस फिल्म में संजना भी नजर आएंगी और गोवा फिल्म फेस्टिवल में जब ये फिल्म पहुंची और इसके साथ पहुंचे दोनों ही कलाकार तो इनसे खास मुलाकात तो बनती है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा इधर आए और फोकस करें। कैमरामैन फोकस करें, ये है गोवा। SBS ओरिजिनल्स पहुंच गया है गोवा, लेकिन अकेले नहीं बल्कि Z5 पर आने वाली फिल्म कड़क सिंह की कास्ट यानी कि पंकज त्रिपाठी और संजना संगई के साथ। अब यहाँ ये अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए हैं, लेकिन हमसे बातचीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमस्ते, मैं पंकज हूँ और ये संजना है और इस वक्त हम लोग हैं इफ़ी गोवा में, जो हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, वहाँ पे हम अपनी फिल्म को स्क्रीन करने आए हैं। कल हमने ट्रेलर लॉन्च किया और आज उस फिल्म से संबंधित बात करेंगे। फिल्म का नाम कड़क सिंह है। आगे ओवर टू संजना। और सर ने जो बोलना था बोल दिया है, तो अब हम बातचीत शुरू करेंगे। एक साल पहले ही एग्जैक्ट हमने शूटिंग शुरू की थी और अब फिल्म प्रीमियर भी हो रही है और जब आई थिंक मज़े आ रहे होते हैं तो समय का पता नहीं चलता है कितना जल्दी निकल गया। हाँ, तो इस फिल्म में हमें मालूम नहीं चला, हर दिन फिल्म हमारे हाथ से छूटती गई और अब आपके तक पहुंच गई है। अब बात करते करते हम थोड़ा इधर घुमाएं ताकि गोवा देख सके। हम लोग समंदर देख सके। तो अब आप, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा इधर आए और फोकस करें। एक है वो बोलता है ना, फोकस करें, कैमरामैन फोकस करें, ये है गोवा और ये है संजना और मैं हूँ पंकज। अब इस फिल्म की बात की ही जा रही है तो हमने भी जानना चाहा कि उनके जीवन में कौन रहा सबसे कड़क। समय कड़क रहा है मेरी लाइफ में, लोग नहीं। समय ही कड़क होता है और समय ही मुलायम होता है, आदमी तो वैसा ही होता है। बताओ जी, कड़क क्या रहा है? चाय रही है, दिल्ली से हूँ तो चाय हमेशा कड़क मिलती है। और आई थिंक अपॉर्चुनिटीज कड़क रही हैं, दैट्स बीन वन थिंग दैट्स बीन ग्रेट। पर ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे फिल्म में कड़क का मतलब थोड़ा अलग है। कड़क एक बेटी अपने पिता को बुलाती है फॉर रीजंस दैट यू विल गेट टू नो। अब हाल ही में इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया और पंकज त्रिपाठी ने इसे अपनी कविता से शुरू किया। कविता रितेश शाह ने लिखी है, जो हमारे राइटर भी हैं, और वो कविता अब फिल्म में भी इस्तेमाल हुई है और कहीं ना कहीं फिल्म के कुछ हिस्से को, कुछ बात को, ओवर और थॉट को वो कविता बयां करती है, तो इसलिए कल उसका वो कविता पाठ किया हम सब ने। मज़ा आएगा ऑडियंस को। मेरे लिए अलग है कि मुझे एक अलग किस्म का रोल करने को मौका मिला। मेरे सेफ इंस्ट्रूमेंट इसमें मैंने नहीं बजाए हैं, थोड़ा मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट करने का और एज पे चलने का मामला था कि मैं फिसल सकता था। वो टोनी दाने संभाल लिया और बहुत सुंदर काम है संजना का, आपको रुलाएंगी ये देख के, जो बाप बेटी की बॉन्डिंग है। एक संवाद है ट्रेलर में, आपने देखा होगा कि तुम पता नहीं मेरी बेटी हो या नहीं हो, पर जिसकी भी बेटी हो बहुत अच्छी हो, तो समझ लो वो आत्मा है वो लाइन भी अपने आप में। अब जब हम वहाँ पहुँचे ही थे तो हमने पंकज जी से उनके स्टाइल के बारे में भी जानना चाहा, जिसका श्रेय उन्होंने सुनिए किसे दिया। हमारी धर्म पत्नी विनीत है ना, उधर हमारा रूप वाला, ये विनीत है। इसी के साथ इफी में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में कई सितारों ने अपना जलवा बिखेरा, जिसमें आपको माधुरी दीक्षित अपने हिट गानों पर थिरकती हुई दिखाई दी, तो वहीं नुसरत की भी अदाएं देखती ही बनी। पंकज त्रिपाठी के साथ साथ करण जौहर भी पहुंचे सारा अली खान के साथ अपने आने वाली फिल्म ऐ वतन मेरे वतन को प्रमोट करने। वहीं विजय सेतुपति भी अपनी आने वाली रिलीज गांधी टॉक्स को प्रमोट करते हुए दिखाई दिए। अब अच्छी बात तो ये है कि इफ्फी में इस साल से OTT अवार्ड्स भी शुरू होंगे ताकि बेहतरीन काम को सराहा जा सके। वेल, इस पूरे प्रमोशन के दौरान का नजारा तो देखते ही बना। वहीं जाते जाते सुनिए क्या कहा संजना और पंकज त्रिपाठी ने। देखिए, ये फिल्म कड़क जो है ना, खाने से तुलना भी होती है पॉजिटिव सेंस में, कि बहुत कड़क दाल बनी है, बहुत कड़क खाना है, तो
तो ये फिल्म खाते खाते बनी है। टोनी दा ने बोला था कि हम खाना खाएंगे बंगाल में चल के कोलकाता में, और खाने से जो समय बचेगा उसमें फिल्म बनाएंगे। तो जो खाने से बचे हुए समय में बनी हुई फिल्म कड़क सिंह है, जिसमें खाने की तरह इमोशन है, स्वाद है, तीखापन है, नमक है, सब कुछ है। वेल, पंकज त्रिपाठी के जाने वालों के लिए नज़ारा किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। और अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है और पिक्चर अभी बाकी है। गोवा से कैमरा पर्सन आतिश कामले के साथ स्नेहिल यादव की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।